नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा ज्योग्राफी भूगोल का। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है, तो उत्तर भारत में कौन सा अवस्थित नगर है? तो देखिए, पुणे जो है कि ये नहीं होगा, ये दक्षिण भारत में, कोच्चि भी दक्षिण भारत में, चेन्नई भी दक्षिण भारत में, ये आगरा जो है उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर भारत में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आगरा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गेहूं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गेहूं का हुआ था। प्रश्न पूछा गया था, भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र घाटी से। ब्रह्मपुत्र घाटी से भारत में चाय की खेती शुरू हुई। प्रश्न है, निम्न में से कौन कलहरी मरुस्थल की जनजाति है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भूस्मैन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भूस्मैन। कलहरी मरुस्थल की जनजाति कौन सी है? तो भूस्मैन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एकल कृषि उत्पादक है? निम्न में से कौन सा एकल कृषि उत्पादक है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूस में अवस्थित है? रूस में अवस्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तुला। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, एसएन अवस्थित है, तो एसएन अवस्थित कहाँ है? जर्मनी में। एसएन अवस्थित कहाँ है? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, भद्रावती का संबंध है, भद्रावती का संबंध है, तो किससे संबंध है भद्रावती का? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है, लो इस्पात से। भद्रावती का संबंध किससे है? लो इस्पात से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर है, निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो गुजरात में कौन अवस्थित नहीं है दोस्तों? नासिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गुजरात में नासिक अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है? भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, इनमें सभी। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन लो अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? निम्न में से कौन लोहा अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? तो नंबर सी बिल्कुल सही है, बैम परसी बिल्कुल सही है दोस्तों, बेडीला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो ऑप्शन ए सही, ये थ्योरियम सही हो जाएगा, ये भी सही है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, सिंदरी प्रसिद्ध है, सिंदरी प्रसिद्ध है किस लिए? तो उर्वरक कारखाना के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, उर्वरक कारखाना के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन भू नवीकरणीय का कारण है? निम्न में से कौन भू नवीकरणीय का कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। ली खान किस खनिज के लिए संबंधित है? तो पेट्रोल के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, श्वसन तंत्र। अगला प्रश्न है, डेसिबल मापन इकाई है, डेसिबल मापन इकाई है, तो किसके लिए है? ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न है 32 नंबर, डेसिबल मापन इकाई है, डेसिबल मापन इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है?
निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नेवासोवा कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, पारद्युपत्तन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा महान नदी पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, किस पे है? महान नदी पर। अगला प्रश्न है आपका, मुफ्त आकाश नीति लागू की गई, मुफ्त आकाश नीति लागू की गई कब? 1992 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्राथमिक। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, प्रश्न सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, तो सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है महानगरों में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ मिलता है? महानगरों में, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न, पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो आयताकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आयताकार पाई जाती है। निम्न पुस्तकों में कौन हेम्बोल्ट द्वारा लिखित है? निम्न पुस्तकों में कौन हेम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कॉसमॉस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समुद्री विज्ञान, समुद्री विज्ञान नहीं है। अगला प्रश्न है, संबंधित है मसाई जनजाति संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 382। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महबूब उल हुक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का मापन माना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भूटान को। अगला प्रश्न है, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गुजरात से। अगला प्रश्न है, बल्लक नौका दौर कहाँ होता है? दोस्तों केरल में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नौका दौर कहाँ होता है? केरल में। वेस्टर्न सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जबलपुर में। प्रश्न है, भोरमोर जनजाति क्षेत्र संबंधित है? तो हो जाएगा गद से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, आलाबुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, केरल से, केरल से संबंधित है। प्रश्न है, पायाकारा जल विद्युत परियोजना है? तो तमिलनाडु में, पायाकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में।